हाय एवरीवन, मैं हूं मुक्ति गौतम, आप सबके फिटनेस कोच। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूं आप सबके साथ 5 रीजंस दैट व्हाई यू आर नॉट लूजिंग योर बेली फैट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें। हर किसी को फ्लैट टमी चाहिए है, एब्स चाहिए है, बट इससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। अगर आपने वेट लूज किया है, जरूरी नहीं है कि आपका फैट लूज भी हुआ हो, क्योंकि अगर आपने इंस्टेंट वेट लूज किया है, आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा क्विक था, तो आपकी बॉडी में दो रीजन की वजह से भी वेट लूज हो सकता है। पहला है मसल लॉस, दूसरा है वाटर लॉस। ये जो आपका क्विक वेट लॉस हुआ है ना, इसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आपका 1-2 किलो वेट कम हो जाता है, आपका पेट भी थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, ये आपका परमानेंट वेट लॉस नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट कम होने के साथ साथ फैट लॉस भी हो, तो उसके लिए मेक श्योर कि आपका जो वेट लूज हो वो परमानेंट हो, ना कि वाटर लॉस हो आपकी बॉडी से या फिर मसल लॉस हो। तो परमानेंट पेट कम करने के लिए आपको परमानेंट वेट लॉस पे ध्यान देना होगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म टारगेट। ये नहीं कि आपको किसी ने बताया कि 2 हफ्ते के लिए वाला डाइट प्लान फॉलो कर लो, 2 दिन के लिए ऐसी एक्सरसाइज कर लो, 2 हफ्ते के लिए आपको सिर्फ कीटो डाइट पे रहना है, उसके बाद आपका सारा पेट कम हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मल डाइट पे आओगे, उसके बाद सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो कम से कम मेरे हिसाब से 1 महीने से लेकर 3 महीने का अगर आप टारगेट लगा के चलोगे, तो आपको अपनी बॉडी में परमानेंट फर्क नजर आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि पेट कम करने के लिए फैट डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि जीएम डाइट हो गया, कीटो डाइट हो गया। अब जीएम डाइट में आप एक दिन आपको फ्रूट्स ही खाने हैं, अगले दिन आपको सब्जियां ही खानी है, अगले दिन आपको एक ही चीज खानी है, तो पहली बात तो ये आपके न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करता है। दूसरी बात, आप इस टाइप के डाइट प्लान को कितने टाइम तक फॉलो कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता। अगर आपकी शादी आ रही है, किसी और की रिश्तेदार की शादी है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक आप उसको फॉलो कर लोगे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे, और जैसे ही आप वो डाइट छोड़ोगे, अगेन आपका वेट जितना पहले था उतना ही हो जाएगा, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो जाए। परमानेंट वेट लॉस के लिए 2 कॉम्बिनेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आपका हेल्दी डाइट, एंड सेकेंड इज वर्कआउट। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से आपका पेट कम नहीं हो रहा है, दैट इज eating very less calories. काफी लोग सोच रहे होंगे कि calories cut करने से weight loss होता है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप calories बहुत ही ज्यादा कम खाओगे ना, तो आपका body का जो metabolism है वो भी स्लो हो जाएगा। सोचोगे कि हर बार हर कोई ये चीज बोलता है, जितनी आप कैलोरीज खा रहे हो उससे ज्यादा अगर आप बाहर निकालोगे या बर्न करोगे, उतना जल्दी आपका वेट लूज होगा। परंतु बहुत ज्यादा कम कैलोरीज खाओगे, तो कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला जो रूल है ना, ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे 2 चीजें आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएंगी। पहला है आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कम हो जाएगा, दूसरा है आपके पास हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन रिलीज होंगे जो कि आपकी बॉडी में फैट लॉस होने ही नहीं देंगे। बेसिकली आप खुद ही अपनी बॉडी को स्लो कर रहे हो, और आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो भी उसके साथ साथ स्लो हो जाएगा। इतने भी ऐसे लोग हैं जिनका टारगेट यही रहता है कि दिन में मुझे 2 रोटी से ज्यादा ऊपर रोटी नहीं खानी है, उनको मैं एक बार ट्राई करके देखो कि आप सारे मील्स प्रॉपरली लो। ब्रेकफास्ट में जैसे आपने फ्रूट्स ले लिया, दूध ले लिया, लंच में आप प्रॉपर अपनी 2 चपाती, दाल, खूब सारी दाल, खूब सारी सब्जियां, अगर आप उनमें से हो जिससे कि 1 रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खाई जाती, क्योंकि काफी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनसे खाया ही नहीं जाता है। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप खाओ, बट इनकेस नहीं खाया जाता है तो मेक श्योर कि आप दाल खूब सारी लो, सब्जियां खूब सारी लो। उसके बाद शाम को 5 बजे आप अपने डाइट में फ्रूट्स ले सकते हो, या फिर ग्रीन टी या कोई भी चाय आपकी हो गई। डिनर में आप प्रॉपर 2 रोटी, अगर आपको दाल चावल सब्जी लेनी है तो वो आप लीजिए। एक बार अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखो कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा खुश होगी। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाएगी। तो आज अपना वेट चेक करो, उसके बाद प्रॉपर मील्स लो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिस्किट्स खाओ, नमकीन खाओ, अगर आप उनमें से हो जिसके बेड के आसपास नमकीनें पड़ी रहती है, बिस्किट्स पड़े रहते हैं, तो सबसे पहले तो उसे हटाओ। प्रॉपर मील लो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और हफ्ते में देखो कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस है और आपका वेट कितना चेंज हुआ है। आपका डाइट प्लान कम से कम 1300 कैलोरीज का जरूर हो। प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट आपको रखनी है, जिसमें कि आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों का ध्यान रखना है। थर्ड रीजन इज लेस प्रोटीन इनटेक। जब आप प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में अपनी डाइट में लोगे ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो भी आपको कम लगेगी। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज कैरी माय प्रोटीन विद मी। और जब मोस्टली हम ट्रेवल करते हैं तो डाइट बहुत ज्यादा खराब होती है, तो आई मेक इट श्योर कि मैं उस टाइम पे भी प्रोटीन के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं।
और प्रोटीन इनटेक आपको कितना चाहिए डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। तो इंसान रेगुलरली वर्कआउट कर रहा है तो उसका प्रोटीन इनटेक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम है। बट आपका जो मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पर डे का, उसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का काम सिर्फ ऐसे मसल्स बनाना नहीं है, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी में। जितने भी आपके बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं दैट इज ऑल प्रोटीन। आपके बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ आई एम यूजिंग इम्पैक्ट वे प्रोटीन एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिसमें से कि मेरा फेवरेट है मैंगो फ्लेवर और मेरे पापा का फेवरेट है ठंडाई फ्लेवर, क्योंकि उसमें वो एक इंडियन टेस्ट आता है जो कि घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। देर इज कुल्फी फ्लेवर और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है चाय फ्लेवर जो कि मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ। दे ऑल्सो हैव कुकीज, ब्राउनीज एंड डोसा, तीन रीजन जिसकी वजह से मुझे ये पसंद है। सबसे पहले है टेस्ट, सेकेंड इट इज हेल्दी, थर्ड ये मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आई पर्सनली यूज माई प्रोटीन बिकॉज दे हैव हाई क्वालिटी प्रोटीन विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन यू एंड आई 100% ट्रस्ट माई प्रोटीन। इट इज बिकॉज देर इज नो मिडल मैन एंड दे सेल डायरेक्टली थ्रू देयर वेबसाइट। आप पा सकते हैं माई प्रोटीन के प्रोडक्ट्स पे 28% डिस्काउंट। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करना है और यूज करना है कूपन कोड मुक्ति। फोर्थ रीजन है हमारे पास ईटिंग रॉन्ग काइंड ऑफ फूड। तो अगर आप समझ लो जितनी आपको कैलोरीज खानी है आप उतनी कैलोरीज खा रहे हो, समझ लो आपने 1300 कैलोरीज आपको चाहिए आप उतनी कैलोरीज खा रहे हो, बट वो आपकी डाइट क्लीन नहीं है, न्यूट्रिशन से भरी नहीं है, तो अगेन आपका पेट का मोटापा कम नहीं होगा। सबसे पहले तो आप बाहर का जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारा कुछ खाना बंद कीजिए। अपनी डाइट में चीनी का इंटेक कम करो। और काफी लोग स्नैकिंग के नाम पे शाम को बिस्किट और नमकीन खाते हैं, मोस्टली लोग ब्रेकफास्ट में बिस्किट्स खाते हैं चाय के साथ या टी के साथ, तो सबसे पहले आपको उसको बंद करना है बिकॉज उससे आपको कैलोरीज मिल रही है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। सो डोंट डिप्राइव योरसेल्फ ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कुछ लोग पेट कम करने के चक्कर में बिल्कुल ऑयल और फैट अपनी डाइट में से निकाल देते, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो नॉर्मली आप ड्राई फ्रूट की फॉर्म में फैट को ले, आप देसी घी अपनी तड़के में लगाएं, उबला हुआ खाने की जरूरत नहीं है पेट कम करने के लिए। फैट तो आपको अपनी डाइट में लेना ही लेना है, बट ये अब आपके ऊपर है कि आपको हेल्दी फैट लेना है या फिर अनहेल्दी फैट लेना है। तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज लें इट शुड बी हेल्दी। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपकी बॉडी खुश रहेगी, जितना ज्यादा आपकी बॉडी खुश रहेगी उतना ही उसका जो सिस्टम है वो तेज चलेगा, अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे आपकी बॉडी में और फैट लॉस प्रोसेस फास्ट होगा। फिफ्थ रीजन इज जस्ट डूइंग कार्डियो। तो अगर आपका वेट काफी ज्यादा है तो सिर्फ कार्डियो करने से आपका वेट भी कम हो सकता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेट भी कम हो सकता है, बट अगर आप पतले हो, बहुत ज्यादा आपका वेट नहीं है और बस आपका पेट बहुत ज्यादा है, तो आपका वेट शायद कम हो जाए बट पेट कम नहीं होगा। तो वेट के साथ साथ पेट कम करने के लिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज कार्डियो, सेकेंड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो में जो आप नॉर्मली कर रहे हैं, चाहे वो 30 मिनट्स की वॉक है, 45 मिनट्स की वॉक है, वो तो आप करें ही करें, बट उसके साथ कॉम्बिनेशन में जो चीज आपको करनी है दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है तो स्टार्टिंग में आप लंजेस से, स्क्वाट से, पुशअप से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे आप वेट्स उठा सकते हो। आपको जिम करना पसंद नहीं है तो आप कर सकते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यूट्यूब पे भी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें कि आप साथ में वर्कआउट कर सकते हैं जो कि आपके फुल बॉडी को टारगेट करेगा। एंड प्लीज गाइज, मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ कि कब जाके मेरे 1 मिलियन होंगे। तो जितने भी लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज फटाफट जाके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। एंड दैट्स इट गाइज,